हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं और आपको इसको अच्छे से कमेंट करके जाना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास एक इस तरह से बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें हमको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। तो देखिएगा, इसको जब आप इसको मैनेज करेंगे तो इसको आपको वैसे मैनेज करना है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में जब इसका जब बैलेंस करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। अब ये किस तरह से बन रहा है, क्या मतलब ऐसे कैसे चेंज हो रहा है, तो इसको हम आगे देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि रिएक्टेड एंड रिएक्शन मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम की सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज कर हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि साइक्लोब्यूटेन ब्यूटाडाइन इंटर कॉन्वर्सेशन रोटरी थर्मली अलाउ प्रोसेस है, जबकि फोटोन केमिकल सेमेस्ट्री अलाउ प्रोसेस है। आप कन रोटरी प्रोसेस के हेक्टेड एंड प्रोडक्ट एमओ के एमओ ऑर्बिटल की सी टू सेमेट्री को मेंटेनेट किया जाता है, जबकि डिस्क रोटरी प्रोसेस में प्रोडक्ट एंड रिएक्टेड प्रोसेस के मोलिकुलर ऑर्बिटल की एम सिमेट्री को मेंटेनेट करते हैं। आगे देखते हैं, अब आगे है कॉन्ट्रोटरी इंटर कन्वर्जेशन। तो यहाँ पर देखिएगा, ये इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ है। अब इसमें सी टू सिमेट्री अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये डायग्राम किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब जब इसको मैनेज करेंगे तो ये इस तरह से डायग्राम आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा दो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिगर को साइक्लोब्यूटेन ब्यूटाडाइन की सिमेट्री में प्रॉपर्टी को कोरिलेशन डायग्राम में शो किया जाता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, देखिएगा एक सिग्मा है, ठीक है, और 4 पाई है, पाई स्टार है, ठीक है। अब ये इस तरह से हो जाएगा तो जाई 1s, और ये इस तरह से हो जाएगा तो जाई 3a, ठीक है। अब इसका जब एनर्जी लेवल देखेंगे हम यहाँ पर, तो देखिएगा पाई 1 जाई 1a, और ये सिग्मा s का जाई 2s, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये एक इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन एक पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ये 3 सिग्मा है, और इस तरह से जब इसका बैलेंस करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। कैसे मतलब, यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5, इस तरह से इसको बैलेंस किया जाता है। आगे देखते हैं, अब कोरिलेशन डायग्राम फॉर कोरिलेशनली प्रोसेस। हम कोरिलेशन डायग्राम से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइक्लोब्यूटान ब्यूटेन की ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल की सिमेट्री परस्पर कोरिलेटेड है, अतः कन रोटरी इंटर कन्वर्जेशन थर्मल सिमेट्री अलाउड प्रोसेस होगी। यानी साइक्लोब्यूटेन के इरेडिएशन से फर्स्ट एग्जिटेड स्टेट से प्राप्त होती है, जो प्रोडक्ट मोलिकुलर की फर्स्ट एग्जिटेड से कोरिलेशन न होकर एक एग्जिटेड स्टेट से को रिलेटेड है, अतः रिटेटरी इंटर कन्वर्सेशन फोटोकेमिकली सिमेट्री प्रोसेस होगी। अब यहाँ पर देखिएगा सिग्मा स्क्वायर पाई पाई स्टार की जब रिएक्शन होगी तो ये हमें किस तरह से प्राप्त होगा, जाई 1 स्क्वायर, ठीक है, जाई 2 और जाई 3। अब इसी प्रकार डिस्टोटरी इंटर कन्वर्सेशन के लिए कोरिलेशन डायग्राम बनाया जा सकता है, जो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये इस तरह से है, और जब इसको बैलेंस करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ यहाँ आ जाएंगे, ये वाला जो ये इधर आ जाएगा, तो ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। और जब ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगा तो हम इसको ये पाई बाउंड को हटाकर हम ये इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यह जाई 3 आ जाएगा, और जाई 3 को हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर देखिएगा 2 सिग्मा पाई बाउंड है और 1 सिग्मा बाउंड है, तो इसको आप इस तरह से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से एक इधर आ जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब कि देखिएगा
1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा डायग्राम। अब आगे देखेंगे इसका जो एनर्जी लेवल होता है, तो 1s स्टार, तो ये 4π के साथ होगा, फिर ये पाई ए है तो ये π2 यानी ए के साथ एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा पाई एस है तो ये जाई s3 के साथ, और ये 1s है तो ये जाई यस जाई 1 से हुआ। तो देखिएगा ये किस तरह से बैलेंस हो रहा है, तो सिग्मा स्क्योर पाई पाई स्टार, तो ये होगा जाई 1 स्क्योर, जाई 2 और जाई 3, तो हेवी केमिकल अलावे प्रोडक्ट बनेगा। अब कोरिलेशन डायग्राम से स्पष्ट है कि रिएक्टेड मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से कोरिलेटेड नहीं है, जबकि रिएक्टेड मॉलिक्यूल के फर्स्ट एग्जिटेड स्टेट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के फर्स्ट एग्जिटेड स्टेट से कोरिलेट होती है। अतः साइक्लोब्यूटेन 1,3-ब्यूटाडाइन इंटर कन्वर्जेशन डिस्ट्रोटरी फोटोकेमिकली सिमेट्री अलाउड बट थर्मल 4-ब्यूटाडाइन सिमेट्री फॉरबिडेड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।